अल्लाह फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 8.4 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 5 का ये थर्ड वाला सॉल्व करके बताऊंगी और इस क्वेश्चन 5 का फर्स्ट और सेकंड की वीडियो मैंने बना दी है। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड कैसे सॉल्व होगा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। तो ये इधर वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में लिखते हैं LHS और ये राइट हैंड साइड में है तो इसको लिखते हैं RHS। ठीक है, R का मतलब राइट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी मैं लेफ्ट, हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS के बराबर है, दोनों बराबर है। तो बराबर करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं LHS वाली साइड लेती हूँ। तो मेरा LHS वाली साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, वो है मेरा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला ये हमारा टर्म है, इसको मैंने लिख दिया। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन, ये तो हम सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला है, cot 1 अपॉन tan क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो इस वाले टर्म में ना, जो cot वाली टर्म है ना, उसको मैं tan थीटा में चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ क्या लिखा हुआ tan थीटा, तो आप इसको tan थीटा लिखिए यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस इस cot थीटा की जगह मैं लिखूंगी 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, हो गया हमारा, ये कुछ भी नहीं है, बस cot को मैंने tan में चेंज कर दिया है। फिर ये प्लस ये वाला, ठीक है, ये cot थीटा है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 1 अपॉन tan थीटा, ये cot थीटा की जगह क्या लिखूंगी मैं 1 अपॉन tan थीटा। फिर ये डिवाइड वाला है, ये डिवाइड लगा दीजिए और ये तो सेम रहेगी क्योंकि ये tan थीटा में ऑलरेडी है पहले से, ये हो गया। तो ये देखिए, अब ये पूरी एक्सप्रेशन जो है tan थीटा में चेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ये जो 1 है इसको 1 अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखिए, ये क्या है tan थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए आप tan थीटा। फिर ये देखिए, ये डिवाइड वाली लाइन है, इसको आप डिवाइड कीजिए। अच्छा, ये नीचे जो दिख रहा है आपको टर्म, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, tan थीटा 1 में tan थीटा कब आएगा, tan थीटा टाइम्स, ठीक है, फिर ये माइनस tan थीटा में tan थीटा कब आएगा 1 टाइम्स, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर ये आप प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, प्लस ये क्या है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड में है, ठीक है, इसको हम अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं ना, अगर 2 है उसको 2 अपॉन 1 लिख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों बराबर है। तो 1 माइनस tan थीटा, इसको मैंने अपॉन 1 कर दिया है। तो ये देखिए, ये डिवाइड में है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में करूंगी, ये 1 अपॉन tan थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये डिवाइड को मैं जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, पहले 1 नीचे था, अब 1 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 था डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ये टर्म जो है नीचे वाली चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए आगे क्या करना है आपको, ये क्या है tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये हमारा प्लस, ये क्या है हमारा 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 हो जाएगा और tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्योंकि ये इसके साथ 1 भी है, 1 माइनस में, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी देखिए, ये tan थीटा आप लिख दीजिए इसको ऐसे ही। अब यहाँ पर भी क्या है, ये डिवाइड में है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब tan थीटा नीचे तब ये ऊपर हो जाएगा और ये वाली टर्म नीचे हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर प्लस, ये जैसे लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही लिखिए। ठीक है, ये क्या 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 बार tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं अपॉन, और ये क्या है tan थीटा माइनस 1, ये आ गया हमारा प्लस, ये क्या है हमारा 1 अपॉन tan थीटा और ये है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर मेन चीज अब होगा, यहाँ पर ये जो 1 माइनस, यहाँ पर क्या है tan थीटा माइनस 1 है और ये हमारा क्या है 1 माइनस tan थीटा है। जैसे मैं अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन हो tan थीटा माइनस 1, एक ये है और दूसरा है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस tan थीटा है, तो 1 माइनस tan थीटा को कैसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं, tan थीटा माइनस 1 में कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको आप इसमें चेंज कर दीजिए।
तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस जो है ऊपर, ये माइनस अपॉन माइनस जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लोग 2/2 मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी चीज में, टर्म में कोई फॉर्मूला बनाने के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस अपॉन माइनस जो है मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, इसमें, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होकर तो सीधे वन ही हो जाएगा ना। जैसे 2/2 लेंगे आप, तो 2/2 आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो अगेन कट के वन ही हो जाएगा ना, तो 2/2 लेंगे तो यानी कि वो वन ही ले रहे हैं आप सीधे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, माइनस अपॉन माइनस लिया है, ये कट के क्या हो जाएगा हमारा, सीधे वन ही तो होगा ना, तो मैंने माइनस अपॉन माइनस लिया, मल्टीप्लाई किया इसमें 1 - tan θ में। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस जो है आप इसके साथ लगा दीजिए, ठीक है, अपॉन, और ये माइनस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ लगा दिया। ये माइनस के बाद क्या है, ब्रैकेट में 1 - tan θ, जब ये ब्रैकेट आप खोलेंगे तो माइनस जो है माइनस वन हो जाएगा, और जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन tan θ, और नीचे तो माइनस हमारा रहेगा ही, ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस वन है, तो ये tan θ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan θ और ये माइनस वन है, इसको यहाँ लिख सकते हैं अपॉन ये माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये माइनस नीचे है तो ये माइनस तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, माइनस tan θ माइनस वन, ठीक है। तो इसको मैंने ये वाले 1 - tan θ को tan θ माइनस वन में चेंज किया तो मेरा ये आया, ठीक है, जस्ट यहाँ एक माइनस लग गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, tan²θ अपॉन tan θ माइनस वन प्लस वन अपॉन tan θ, ये देखिए ये जो मेरा टर्म है ना tan θ माइनस वन, और जो ये आया है मेरा माइनस tan θ माइनस वन, ये दोनों बराबर ही तो है। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे यहां पर, जैसे कि ये आप जब इस ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो इसी के तो बराबर आएगा ना, 1 - tan θ के बराबर, ये हटा दीजिए आप, ये जो 1 - tan θ को मैंने क्या कर दिया है, इस तरह से लिख दिया है, ये दोनों बराबर हैं, 1 - tan θ इज इक्वल टू माइनस tan θ माइनस वन, ये हमारा क्या है, बराबर ही तो है। ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही हो जाएगा, तो जस्ट 1 - tan θ की जगह मैं ये लिखूंगी, क्या लिखूंगी, माइनस ब्रैकेट में tan θ माइनस वन। तो यहां पर देखिए tan θ है, तो मैं 1 - tan θ की जगह क्या लिखूंगी, माइनस tan θ माइनस वन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए tan²θ अपॉन tan θ माइनस वन, ठीक है, ये क्या है, माइनस है, इनटू है ये, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, फिर 1 upon tan θ और ये क्या हमारा tan θ माइनस वन, ये आ गया हमारा। तो इसको 1 - tan θ को मैं tan θ माइनस वन में चेंज करने के लिए ही मैंने ये किया, ठीक है। अब इससे एलसीएम भी जो है हमारा इजिली हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारा क्या आएगा, tan θ और tan θ माइनस वन, ये एलसीएम में आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेने पर tan θ इंटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, tan θ हमारा मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहां पर हमारा क्या होगा, tan θ, यहां पर हमारा वन होगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म, ये tan θ इंटू tan²θ, यानी कि ये tan θ है और ये tan²θ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, tan³θ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan³θ माइनस वन अपॉन, और नीचे क्या था, tan θ, और ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में tan θ माइनस वन, ये हमारा आ गया। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, tan³θ माइनस, ये वन को हम 1³ लिख ही सकते हैं ना, कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए वन ही आएगा हमारा, और ये क्या है, tan θ और tan θ माइनस वन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा a³ - b³ का फॉर्मूला बनना है, a³ - b³ का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a - b और a² + ab + b², ये हमारा फॉर्मूला होता है a³ - b³ का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए a³ - b³, तो यहाँ पर हमारा क्या है, tan³θ - 1³, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ ये a है और ये हमारा b है, तो a - b, तो a क्या है हमारा tan θ है, माइनस बी क्या हमारा 1 है, यहाँ पर लिख देंगे हम। उसी तरह से a², a की वैल्यू क्या है, tan θ, तो a² यानी कि tan²θ हो जाएगा, प्लस ab बोला है, तो a हमारा क्या है tan θ और b क्या है 1 है, तो tan θ इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा tan θ ही होगा,
प्लस ये बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो हम इस 10³ - 1 का होल क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा tan θ - 1, फिर ये क्या है हमारा tan²θ + tan θ + 1 अपॉन tan θ, और ये ब्रैकेट में क्या है tan θ - 1 है हमारा, ठीक है। तो देखिए tan θ - 1 और tan θ - 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा अब क्या बच रहा है, tan²θ + tan θ + 1 अपॉन tan θ, ठीक है। ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये डिवाइड में है ना, तो tan θ को सबसे डिवाइड कर देते हैं, बात तो वही होगी सेम, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 upon tan θ, मतलब इसको जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मतलब तो एक ही है। तो देखिए ये tan²θ, ये tan θ है, तो ये tan²θ को आप tan θ लिख सकते हैं 2 बार अपॉन tan θ, ये तो हम लिख ही सकते हैं। प्लस देखिए ये tan θ, ये tan θ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। प्लस ये 1 upon tan θ है, तो 1 upon tan θ क्या होता है, cot θ होता है। हम तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 1 upon tan θ क्या होता है, cot θ के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा ये tan θ, ये tan θ कैंसिल, तो क्या बचा tan θ + 1 + cot θ हमारा बचा, ठीक है। तो और tan θ को हम क्या लिख सकते हैं, sin θ upon cos θ, तो हम लिख ही सकते हैं, हम सभी जानते हैं। +1 + cot θ क्या होता है, cos θ upon sin θ, ये होता है हमारा, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, इसको 1 upon 1 भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, cos θ और sin θ आएगा। ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos θ, और यहाँ एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, ये sin θ into sin θ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम लेने पर, cos θ और sin θ, और यहाँ पर क्या आएगा, cos θ into cos θ, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो sin θ into sin θ क्या हो जाएगा हमारा, sin²θ, प्लस ये क्या है हमारा, cos θ और sin θ है हमारा, और ये क्या हो जाएगा, cos²θ upon cos θ और sin θ, ये हो गया हमारा। अच्छा sin²θ + cos²θ, इसका फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं कि sin²θ + cos²θ क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये sin²θ और ये +cos²θ, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो इनके जगह मैं क्या लिखूंगी, 1, ठीक है। तो 1 + cos θ sin θ, ये तो हमारा है ही, ये तो लिखना ही है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा cos θ sin θ, फिर क्या हो जाएगा, upon cos θ और sin θ, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो इसको मैं ऐसे भी अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, मतलब 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसको भी इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों तो सेम है ना, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो इसी के बराबर आएगा। तो जस्ट मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये 1 upon cos θ और ये sin θ है, प्लस ये cos θ sin θ सेम है ऊपर नीचे, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, ठीक है। अब 1 + अब 1 upon यहां पर क्या है, दोनों बाई में है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 upon cos θ into 1 upon sin θ, ठीक है। तो 1 + ये 1 upon cos θ क्या होता है, sec θ क्या होता है, 1 upon cos θ के बराबर होता है, और cosec θ क्या होता है हमारा, 1 upon sin θ के बराबर होता है, ये होता है। तो 1 upon cos θ की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 upon cos θ की जगह sec θ, ठीक है, ये लिख दिया। और 1 upon sin θ की जगह मैं क्या लिखूंगी, cosec θ, ठीक है। तो देखिए यहाँ RHS हमारा क्या आया था, RHS हमारा क्या था, 1 + sec θ cosec θ, जो कि बिल्कुल बराबर आ गया है। मैंने जब LHS को सॉल्व किया तो ये आया, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही ईजी है। जहाँ ना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।